भाईचारगी और अमन को जब धक्का पहुंचता है, इससे देश को भी धक्का पहुंचता है। तो ये प्रॉब्लम जल्दी साल होगा, बातचीत चल रही है। हिंदू हो मुसलमान हो, ये व्यापार करते छोटा मोटा व्यापार करते कौन गरीब लोग है, गरीब लोगों का उनका पेट का बहुत बड़ा मार पड़ते हो, इसलिए वो नहीं होना चाहिए। कर्नाटक में शैक्षिक संस्थानों में हिजाब पहनना सही है या नहीं, इसे लेकर विवाद हाईकोर्ट में सुलझने के बाद भी उलझा हुआ है। लेकिन अब मंदिरों के बाहर मुसलमान दुकानदारों को हटाने को लेकर पोस्टर देखे जा रहे हैं। दरअसल ये पोस्टर जो आप देख रहे हैं वो है कर्नाटक जिले के बप्पनाडू दुर्गा परमेश्वरी मंदिर के बाहर। इसके अलावा इस तरह के पोस्टर्स कर्नाटक के अलग अलग जिलों के अलग अलग मंदिरों में देखे जा रहे हैं, जिन पर लिखा है जो कानून का सम्मान नहीं करते और एकता के खिलाफ हैं, जो लोग उन गायों को मारते हैं जिनकी हम पूजा करते हैं, उन्हें दुकान लगाने की इजाजत नहीं होगी। ये पोस्टर किसने लगाया, कैसे लगाया, इसका तो फिलहाल प्रशासन पता लगा ही रही है, लेकिन सरकार ने इन पोस्टर्स के फरमान को सही ठहरा दिया है। कैसे, चलिए वो सुन लीजिए। दरअसल कर्नाटक के विधानसभा सत्र के दौरान शून्यकाल में कांग्रेस एमएलए यूटी खटकर ने कर्नाटक के मंदिरों में मुस्लिम दुकानदारों के खिलाफ लगे अनाम पोस्टर्स और बैनर्स को लेकर आपत्ति जता दी, जिसमें वार्षिक मेले में मुस्लिम दुकानदारों को अपनी दुकान ना लगाने की हिदायत दी गई थी। जब कांग्रेस विधायक ने कहा कि ऐसा कोई कानून नहीं है जो ऐसा करने की अनुमति देता हो, इस पर कर्नाटक सरकार में कानून मंत्री जेसी मधुस्वामी ने कहा कि भारत के कानून के मुताबिक मंदिर का मैनेजमेंट ऐसा कर सकता है। सरकार ने हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस एंड चैरिटेबल एडोनमेंट 2002 यानी धार्मिक संस्थान और धर्मार्थ बंदोबस्ती अधिनियम 2002 के तहत नियम संख्या 12 का हवाला देते हुए कहा कि गैर हिंदू मंदिरों के बाहर अपनी दुकान नहीं लगा सकते हैं। हालांकि मंदिर की सीमा जहां खत्म होती है वहां कोई दुकान चला सकता है, वहां पर ऐसे पोस्टर्स लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन ये विवाद आखिर शुरू कहां से हुआ? कहा जा रहा है कि कर्नाटक हाईकोर्ट ने जब से शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पर सरकारी प्रतिबंध को बरकरार रखने का आदेश दिया था, इस आदेश के खिलाफ मुसलमानों ने बंद का ऐलान किया था। इस दौरान मुस्लिम दुकानदारों ने अपनी दुकानें नहीं खोली थी। इस बंद के जवाब में दक्षिण पंथी हिंदू समूहों ने कथित तौर पर मंदिरों के आसपास और मेलों में मुसलमानों को दुकानें न खोलने का ऐलान किया था। कर्नाटक के मैंगलोर जिले के आसपास बप्पनाडू दुर्गा परमेश्वरी मंदिर में पोस्टर दिखाई दिए। वहां 20 अप्रैल से वार्षिक मेले का आयोजन किया जाना है। मेले में स्टॉल लगाने को लेकर मंदिर की जमीन की नीलामी की जाएगी। इसमें मुस्लिम संगठनों को हिस्सा लेने से मना कर दिया है। मंदिर के चारों तरफ बैनर लगाए गए हैं जिसमें केवल हिंदुओं को ही दुकान और स्टॉल लगाने की अनुमति देने की बात कही है। इसी तरह के बैनर्स मंगला देवी मंदिर, पालोली राजेश्वरी मंदिर और तमाम अन्य तरह के मंदिरों में देखे जा रहे हैं। शिवमोगा में ऐतिहासिक कोटा मरिकम्बा यात्रा की आयोजन समिति ने भी कहा है कि उनके 5 दिवसीय उत्सव के दौरान केवल हिंदू ही स्टॉल लगा सकते हैं। हालांकि मंदिरों का मैनेजमेंट संभालने वाली कमेटियों ने ऐसा किसी भी आदेश से इनकार कर दिया है। वहीं राज्य के अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष अब्दुल अजीम ने मुस्लिमों को हिजाब मामले में बंद रखने को जिम्मेदार ठहराया, लेकिन मामला जल्द ही सुलझा देने की बात भी कही है। इस तरह के फैसले मत लिया करो, क्योंकि आज ये फैसला है, फिर इनके तरफ से एक फैसला होगा, उनके तरफ से एक फैसला होगा, इसका लिमिट नहीं है। इससे फिरखा वारना आहंगी को नुकसान पहुंचता है। जब पीस और ट्रैंक्विलिटी जो बोलते हैं, भाईचारगी और अमन को जब धक्का पहुंचता है, इससे देश को भी धक्का पहुंचता है। तो ये प्रॉब्लम जल्दी साल होगा, बातचीत चल रही है। मंदिर कमेटियों के इनकार के बाद इन बैनर्स को लगाने वालों का पता नहीं चल पाया है। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके पीछे दक्षिण पंथी हिंदू समूहों के सदस्य हो सकते हैं। वहीं कर्नाटक के वक्फ बोर्ड के चेयरमैन ने माना है कि हिजाब विवाद के कारण ही ये पूरा मामला बड़ा है, लेकिन गरीबों के लिए मुस्लिम दुकानदारों को रोकना गलत बताया है। इसको यात्रा उत्सव रहते टेंपल का, नहीं तो ये दरगाह का उरूस रहते, उधर व्यापार करते एक गरीब लोग, वो गरीब लोगों का व्यापार को उनको जीने को देना, हर एक जो हिंदू मुसलमान का बीच क्या भी उसमें डिफरेंसेस नहीं है, हिंदू हो मुसलमान हो, ये व्यापार करते छोटा मोटा व्यापार करते कौन गरीब लोग है, गरीब लोगों का उनका पेट का बहुत बड़ा मार पड़ते हो, इसलिए वो नहीं होना चाहिए, हमें वो कंडम करेंगे। हालांकि इस पूरे मामले में मंगलुरु पुलिस ने जाँच शुरू कर दी है। पुलिस ने इसे सांप्रदायिक सद्भावना बिगाड़ने की कोशिश माना है, लेकिन
लेकिन ये मामला कहां से शुरू हुआ अगर आप नहीं जानते तो जल्दी से जान लीजिए। दरअसल कर्नाटक में हिजाब को लेकर विवाद 1 जनवरी 2022 से शुरू हुआ, जहां उडुपी में 6 मुस्लिम छात्राओं को हिजाब पहनने के कारण कॉलेज की क्लासरूम में बैठने से रोक दिया गया था। कॉलेज मैनेजमेंट ने नई यूनिफॉर्म पॉलिसी को इसकी वजह बताया था। इसके बाद इन लड़कियों ने कर्नाटक हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी। लड़कियों का तर्क था कि हिजाब पहनने की इजाजत न देना संविधान में उनके मौलिक अधिकारों का हनन है, लेकिन 15 मार्च को कर्नाटक हाईकोर्ट ने हिजाब के समर्थन में मुस्लिम लड़कियों समेत दूसरे लोगों की तरफ से लगाई गई 8 याचिकाओं को खारिज कर दिया था। इसी मामले पर आपने मुस्कान नाम की लड़की का वो वीडियो भी देखा होगा। 3 मेंबर्स वाली बेंच ने स्कूली यूनिफॉर्म को जरूरी बता दिया था। हाईकोर्ट के फैसले के बाद चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी के घर के बाहर सुरक्षा को बढ़ा दिया गया था। बेंगलुरु समेत कर्नाटक के 5 जिलों में 144 धारा लागू कर दी गई थी। कर्नाटक में कई जगहों पर इस फैसले के विरोध में मुस्लिमों ने अपनी दुकानें बंद कर दी थी, जिसके बाद कर्नाटक के मंदिरों में इस तरह के पोस्टर लगाए गए हैं जहां कहा गया है कि मेलों में और मंदिरों के बाहर मुस्लिम अपनी दुकान नहीं लगा सकते हैं। लेकिन इसमें हक मारा जा रहा है सिर्फ गरीबों का। आपका इस पूरी स्टोरी पर क्या सोचना है हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइए। मंडे टू फ्राइडे में इस तरह के वीडियो आप तक लाती रहूंगी। अगर आप भी किसी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं।